देखा या गांव आए कोई हिसाब से बात की ना, नहीं तो यहाँ का आदमी बात बात में लाठी निकाल ले था मारे कलाने वाला। ऐसा है, चुप रहो तुम। मुझे किससे और कैसे किस तरीके से बात करनी है तुम मुझे ना बताओ। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, गाँव की गवारी। अबे समझाए देती हूँ मुही, तुम चाहे जो कह ली, लेकिन यह गाँव के आदमी का कुछ न कहा। यहाँ बता दे तुम अबे से, फिर भी तुम्हें पूरे रास्ता भर समझावत चली आवती हूँ। वो तुम कुछ कीन है या तुम कोनो का उल्टा सीधा भी बोलिया तो फिर मोर जिम्मेदारी नहीं आया माँ। चुप्पे रहो ब्लेडी गवार। हाँ मैं गवार हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन बस तुम्हें कोनो खातिर कुछ कहे ना। अरे मम्मी पापा आप क्यों लड़ रहे हो, चुपचाप पापा को गाड़ी चलाने दीजिए ना। तुम्हारी मम्मी बहुत चटती है, इतना दिमाग खाती है कुछ कहने को नहीं। इसलिए मेरा मन कहीं भी ले जाने का नहीं किया करता है, ना अपने दोस्तों के यहाँ, ना अपने ऑफिस, ना किसी पार्टी में, ना किसी फंक्शन में, कहीं भी नहीं ले जाने का मन करता, समझ लो। कभी तुम्हारे साथ जाने का मन नहीं करता है, ये क्या मारे तुम और बात बात में बेइज्जती कर देता हूँ। चुप रहोगी थोड़ी देर के लिए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। कोई आए तो बताए कि कहाँ को जाना है, किस तरफ जाना है। आओ किधर जाना है तुम्हें तो रास्ता पता ही होगा। 10 साल बाद आई हूँ, मुझे पता हुई भला रास्ता कहाँ है। गाँव का नक्शा बदल गया है, अब मैं कहा बताऊँ कि रास्ता कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे बस पुरान कुएं के लगे से रास्ता मालूम है पाए घर के। मम्मी यहाँ कुएं भी है बिटिया, या बहु बड़े बड़े कुआं है, नदी है, तालाब है, हर चीज है यहाँ। हाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी सुविधा है। अच्छा तो फिर तो मैं यहीं रहूंगी आज से। यहाँ हम रहने नहीं आए हैं, यहाँ हम अपनी मेहमान नवाजी कराएंगे, 3-4 दिन रुकेंगे, उसके बाद चले चलेंगे अपने घर। ऐसे तुम्हारी मम्मी की जिद थी, मेरी जिद नहीं है। अब कोई दिखाई भी नहीं दे रहा इस गांव में कि कोई आ जाए। अरे कोई है? आवन आए बादल छाए। हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर। भैया मोर नाम मिस्टर न होए, मोर तो नाव साजन है। साजन? साजन किसके हो? मोर नाव आ साजन, वैसे काम का है तुमका बतावा। वेरी स्टूपिड नाम, ये कह रहे हैं? आ कहे हता अबे मुइका? कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं? आ कहे हता मुइका या बता पहले का है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। ई तो मोरे नाम के बारे में कुछ कहे, जल्दी बता का कहे। साजन भैया हमें तुर्रा वाली के घरे जाए का, थोड़ी रास्ता बता दिया। मैं रास्ता बता दिया हूँ, लेकिन पहले तो आप आदमी से पूछ की मुइका का कही थी, मोर नाम के बारे में का कही थी पूछिए से पहले। साजन भैया तुम्हारे नाम के बारे में तारीफ आ की नहीं? नहीं नहीं, इसने और कुछ कहा है, मेरे नाम की तारीफ नहीं की है, इसने मेरे नाम को कुछ कहा है। महू का थोड़ी बहुत इंग्लिश आवा थी, सही सही बता भैया कहा कहे था मोए नाम के बारे में। सुनो हमने तुम्हारे नाम की तारीफ की है, ये बताइए आपकी तुर्रा वाली के घर की तरफ जाने का रास्ता कहाँ से है? भैया पहले जब तक मोए नाम के बारे में नहीं तक का कहे या जब तक बता न दिए, जब तक मैं तो तुर्रा वाली के घर का रास्ता ना बताई हो ना बताई हो ना बताई हो बता। आओ बियो फैलो। वेरी नाइस, ही स्वीट, एक्सक्यूज मी। बताओ बताओ बियो फैलो आपकी है? हाँ बियो फैलो। अदुआ या भैंसिन के बारे में पूछा थी, कहा थी भैंसी तुम्हारी आए। अच्छा बियो फैलो माने भैंस होता का? हाँ मोई भैंसी आई, चरावे आ गए तो मौसम बिगड़ गया था, तो पानी बरसे लाग तो घरे लवा लाए। तो यहाँ पे पानी नहीं बरस रहा, यहाँ भी बरसे वाला है पानी। अरे यार हमको कोई तुर्रा वाली के घर जाने का रास्ता बताएगा? तो भैया तुमका तुर्रा वाली के घर आ जाए का? हाँ भाई हमको तुर्रा वाली के घर जाना है, कोई रास्ता बताएगा? क्या बात तू बताओ भाई बताओ, कहाँ है तुर्रा वाली का घर बताओ, हमको जाना है बहुत जल्दी है। ए दादू हाँ काका, तुर्रा वाली के घर का रास्ता नहीं बताना का भला? काका मोरे नाम के विषय में कुछ कही थी, जब तक मैं यहाँ से पूछ न लई हूँ कि मोरे नाम के विषय में कहा कही थी, जब तक तुर्रा वाली के घर का रास्ता ना बताओ का। अरे गंवार आदमी का कह रहे थे? गंवार तोरे दिमाग नहीं आए? ए जबान संभाल के बात करे मोसे भला, गंवार हुई है पढ़ा लिखा का घोड़ा नहीं तो। उतनी देर से मेरा तुम तेल फुकवा रहे हो गाड़ी का, तो तुम पढ़े लिखे गंवार? इतनी देर से मेरी गाड़ी का तुम तेल फुकवा रहे हो, तुम लोगों के दिमाग है कि नहीं है? तो 300 रुपए का तेल फुक गया। मामा क्या करूँ रे, गाड़ी का तेल फुक गया तो अपन गाड़ी बंद कर दो चाहिए, जब तुम्हें का रास्ता पूछे कर रहा है तो। हे यार ये अपनी भैंसों को यहाँ से हटाओ यार, पूरा रगड़े डाल रही है गाड़ी, हिला डाल रही है। अरे अरे कीचड़ लगा दिया मेरी गाड़ी में। कीचड़ लग गया? हुर्रा हुर्रा, मुझे बहुत जोर की गुस्सा आ रही है, मेरी गाड़ी में कीचड़ लग गया। तो भैया पानी से धो ली ने कीचड़ यहाँ लगा है। तुझको पता है गंवार कहीं का 100 रुपए लगती धुलाई गाड़ी की, साथ में 80 रुपए की पॉलिश। तो भैया 180 रुपए तो लगा थे, तुम उसे ले ली ने? क्या कमाता होगा तू, तुझे पता है कि मेरी इनकम कितनी है? तो भैया तहु पैसा कमाता, मैं पैसा कमाता हूँ, 180 रुपया का जब तोर लगा थे तो मोसे ले लेने का पैसा न होगा हुई। टर्रा दादू या बहु घमंडी आदमी है। अरे गरीबो मैं जो है तो महीने के 25,000 रुपए कमाता हूँ,
और तुम लोग मुझसे बराबरी करोगे। क्या कहा था? 25,000 रुपया महीने कमावा था काका। ये तो वाकई में बहुत बड़ा घमंडी आदमी है। 25,000 रुपया कमाई बताओ था अपन की मैं महीना के 25,000 कमावत हूँ। भैया अब मैं एक बात कहूँ, बुरा तो ना मनी है? बोल गरीब बोल। जो तोर डब्बा जैसी गाड़ी है ना, यह हमारे घर मनी सड़ रही है, तुम्हें पता भी है कुछ? जाओ जाओ, ज्यादा बात ना बताओ हमको। हमारे जैसी गाड़ी तुम्हारे घरों में सड़ रही है, भैंसी चराते हो? जाओ भैंसी चराओ जाके। पता है कि एक भैंसी की कीमत कितनी है? कितनी है बता जरा। मुझे कहता है से मैं पहले कहते हो कि है कि आदमी से ऊंची आवाज से बात ना करो, उल्टी सीधी सी बात ना करो। देखो अपन नाम के पीछे पड़ा है, अब बताओ बता दिया ना क्या कहे हो तुम रेखे नाम खातिर। शांत रह भला, तू बिल्कुल शांत रह ना। ये सब जितना हुआ है ना झपड़ा झमेला, सब तेरी वजह से हुआ है। तू अपने मुँह में टेप लगा के चुपचाप बैठ जा बिटिया। ये खे मुहे में टेप लगा देता है। हाँ क्या कह रहा था? ये बताता है तोर दिमाग का एक स्क्रू ढीला है का? ये बता क्या कह रहा था? पहले गाड़ी से बाहर निकल के फिर बतावा तुम्हें। देखो मैं एसी में रहने वाला आदमी हूँ, मैं एसी में रहूंगा, मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा। तुझे जो बोलना हो जल्दी बोल, अब बता रास्ता किधर जाना है। आला तो फिर ऐसा है, रास्ता तो ना बताई हूँ मैं, लेकिन भैंसी की कीमत तुझे बता दे तू। जितने की ये तो डब्बा जैसी गाड़ी है ना, ऐसे दुगना कीमत की सिर्फ भैंसी है। जा तुझे इस डब्बे की कीमत नहीं मालूम, दुगना कीमत की भैंसी है। क्या कीमत? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000। बस ये 18 लाख रुपए की गाड़ी है, तुम्हें पता है ना? पैसा देखा है कभी? कैश उठा के लाया हूँ कैश। अच्छा तो ही पता है कि मोरे घर में क्या कहा हुए? क्या होगा, 2 ठो बकरी होंगी, 2 ठो गैया होंगी, 2 ठो भैंसे होंगी और एक टूटा पूटा सा घर होगा, और क्या होगा तुम्हारे घर में? नमस्कार, अभी तुझे पता नहीं है कि उसकी कीमत क्या है? क्या कीमत होगी उसके घर की? इसके 10,000, 20,000, 30,000 रुपए, इससे ज्यादा क्या होगी कीमत? और मान लो 1,00,000 रुपए बस। आए गाँव में गाड़ी या कुआ आएगा भैया? टर्रा कुआ है? अरे ननकू दादू। हाय काका का हुईगा? ये भैया जो है तो अपन हैसियत बतावा थे, पैसन के हैसियत बता जरा सही का कि मैं कुआ हूँ या गांव का। भैया तुमका पता है कि ये कुआ गांव के? ए होगा कोई गांव का लप्पू झैया आदमी, तो मुझे इससे क्या मतलब है? तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरी सैलरी 25,000 रुपए महीना है। गाँव के प्रधान आ प्रधान मालूम है कुछ? क्या घर मानी का कहा तुम्हें पता नहीं है? गाँव का प्रधान और पैदल चल रहा है, इसको तो 4 पहिए में चलना चाहिए। प्रधान जी का कुछ अलग तजुर्बा है, ये हमेशा पैदल चलने वाले आदमी है जे, और हर किसी का सहारा और हर किसी की सहायता करते हैं। मैं आ गया, अब बेटा जहाँ जा रहे हो चुपचाप निकल लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेंगी और कभी समझ नहीं पाओगे अपने आप को कि तुम कौन हो और कहाँ आए थे, किस गांव में प्रवेश किए थे। यार भैया बता दिया कि तुर्रा वाली के घर का जाए का रास्ता कहाँ से है तो हम जान। अच्छा तो काकी के घरे आया हूँ, कलुआहन के घरे। हाँ कलुआहन के घरे। दुहारा जब ताकि यह मोर नाव के बारे में ना बता दे कि का कही थी मोर नाव के बारे में, ताकि इनका कोनो ना बताए कि तुर्रा वाली का घर कहाँ है। नहीं बताऊंगा मैं कि मैंने क्या कहा है तुम्हारे नाम के बारे में, और बताओ मैं ढूंढ लूंगा ना, बताओ तुम मुझको रास्ता तुर्रा वाली के घर जाने का। वाह भैया मोए घर का रास्ता पूछा था? और कहीं गाड़ी वाले यहाँ पूछा तो घर का रास्ता? जीजा मैं हूँ, मोर सारी आया है का? अरे तुम रास्ता भूल गए सारी जी। सारी हाँ थे सारी या तो फिर सारी हुई? सारी जी तुम रास्ता भूल गए? रास्ता भूल गए जीजा मैं, इनसे हम पूछता तो ये रास्ता ना बतावत रहे यहाँ। चला मोर पीछे पीछे आवा, मैं घरे आ जातू। चला गाड़ी में बैठ जावा ना। नहीं पैदल चले की आदत है मोर, तुम चला चला। इसे चले का सीधा जाए का है? सीधा जाया और सीधा जाके दाहिने हाथ का मुड़ जाया भला, सामने घर आ है। कितना सीधा जाए का है? यहाँ से तिराहा मिली और तिराहा के दाहिना चले जाया, बस घर सामने है तो वहा है। हाँ 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 चला सीधा चला दे, आगे तिराहा आई वे के बाद दाहिने हाथ में मुड़ लेना भला। हाँ ठीक है। कहा पहले तो मुए नाव का बता दे कि तो मुए नाव के बारे में का कहे है। हटो ना तो मैं गाड़ी चला दूंगा, एक तो वैसे मेरा दिमाग खराब कर चुके हो और मेरी गाड़ी में लग चुका है कीचड़, तो मैं बहुत दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब है। हटो सामने से। गाड़ी चलाइए तो का, मैं तो इसका छोड़ दई हूं, जल्दी से बता दे, चुपचाप चलो जा। हां भैया बता दे का कहे है हमारे प्रधान के नाव के बारे में, नहीं तो समझ लीने तो पीछा कर दीस ना, तो फिर समझ बच ना पाइए। ना बताइयो मना बताइयो मना बताइयो। ठीक है ना बता, ठहर रहो। प्रधान जी जान दिया कहा कि नहीं, जो कुछ कहे नहीं तो मुंह से बतावा। याद देखा था पीच मना पर या याखा मोर मेटर आए? भैया हरा तुम ही बता दिया जरा कमेंट मारी। प्रधान जी मैं उनकी तरफ से माफी मांगा तू। अरे माफी मांगे का हुई? या मालूम है मोए नाम का का कही सी? का कही सी? अच्छा ब्लडी स्टूपिड नाम बताओ, मोर नाव खराब है? है बताओ खराब है मोर नाव? भैया इन तो मैं कहो जाते कोनो के नाम के बारे में। कहा है तो क्या करेंगे ये मेरा?
अरे गांव के प्रधान आई खान के नाव का ही खराब कर दी ना। नाम छोड़िए आप जीजा, पहले आप ये बताइए मेरी गाड़ी में इतनी खराब मिट्टी इस लड़के ने क्यों लगाई? अटी लगा दी तुम्हारी गाड़ी में काका, वह मैं भैंसी लेके गुजर रहे तो अपन चरवाओं में गए तो पानी बरसे लाग तो अपनी भैंसिन के मलावा लाग घरे तो जो है तो भैंसिन के माटी लाग रहा है तो गाड़ी मानी चिपक के निकल गई तो गाड़ी में माटी लाग गए तो बता मोर गलती है आमा कुछ। दादू तो ही थोड़ी देख के निकालो चाहे राजा, और जो सार है ना वह बहुत जो है तो इंग्लिश बोलत है, एक ही आधी बातें मैं समझ नहीं पाते हम। काका इंग्लिश बोले तो बोले अलाने तो, और अच्छी बात ही कम से कम कोनो आदमी इंग्लिश बोलत है। गाड़ी में जो माटी लाग गए तो मैं कहा कि मैं धुल देंगे तुम्हारा गाड़ी, लेकिन ये जो तो कहते 80, 100, 200 वही पैसा बतावत है तो मैं कहा भैया मैं दे देंगे हूँ तो कहते कि स्टूपिड तुम्हारी क्या सैलरी होगी जितनी मेरी सैलरी है बताओ ये सैलरी क्या होत है? सैलरी खातिर कहा थे हिंदी में नहीं तनख्वाह, आओ तनख्वाह का तन अच्छा हाओ मतलब जो एक तनख्वाह आई वाह कहा थे लड़ी गंवार देखा काका फिर से मुही कुछ इंग्लिश में कहे सार हमार जो हो तो कहा थे कि तुम बहुत सुंदर हो या तो वर्ल्ड महू का कहा रहा थे। पहले तो मुझसे माफी मांगिए देखे बात का जो हो तो 4 पहिए यहाँ से लेके जा पाइए। मैंने अगर माफी ना मांगी तो निकुआ काका अरे तो एक गाड़ी के सामने ले तो जा यही बतावा तुम्हें अच्छे से। आओ काका। अरे मेरी गाड़ी के सामने तुम लेट कैसे गए? ए, उठो मिस्टर, ए मिस्टर उठिए आप। इले मैं छाता एक किनारे करूं देखता मोर प्रधान गिरी अम्मा देख तुई का किंताना बेटा 1 मिनट मानी जेल के अंदर करवावत हूँ। प्रधान जी ऐसा ना करा मोर सगा सारा मान जावा तो आखे तरफ से तुमसे गलती तो मानत हूँ। ए प्रधान अगर तुझमें हिम्मत है या तुझमें ताकत है तो तब मुझको पुलिस में करा के दिखा। अच्छा बेटा रुकता है हाँ जी कुछ ना हुई तुम अगर पुलिस भी बुला लिया तो कुछ ना हुई जाखा जय अच्छा है। अरे ऐसे कैसे ना हुई अबे देखता है दादू प्रधान जी यार नाटक कर नाटक जैसे तुई का ठोक दी सो एक्सीडेंट हुई गा तोर इन तरह का नाटक कर चिल्लाता है तो गांव वाले इकट्ठा हुई है और मैं पुलिस का बुलावत हूँ। हाँ प्रधान जी हाँ बिल्कुल अरी गुहार या 4 पहिया वाला मुही का ठोक दीस दैया आई गुहार मैं हाथ पाँव में लाग गया बहुत जोर से। हाँ प्रधान जी कुछ करा बहुत जोर उड़ाई सी मुही का गुहार अरे आंधर हा देख के नहीं चला पाते आई का गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी चलावा था गुहार दूसरे खातिर मारा था या तो आई गुहार दैया बहुत जोर ठोकी सी दैया का करू गुहार कोनो मदद करा। हुईगा ननकू का हुईगा तू ही प्रधान जी देखा मैं बहुत जोर से लाग गया गुहार कहा बताऊं मैं आगे आगे जा तू अया जो तो पाछे से मुझे गाड़ी ठोक दी इस दैया बहुत जोर से लाग गया प्रधान जी कोनो गांव में गुहार है मुही कोनो अस्पताल ले जावा अया 4 पहिया वाले खातिर बहुत मारा गुहार अरे गाड़ी देख के नहीं चला पाते यही का क्या लगा है कि बटन सबन का एक्सीडेंट कर चो जाइए नाटियो साहबा तुई का लाइसेंस दी ना गाड़ी चलावे का बता जरा मुही का आबे रुक जा मैं फोन लगावत हूं पुलिस वाले का। का हुईगा प्रधान जी का हुईगा देखो हां ये एक लड़का खतर एक्सीडेंट कई दी सी देखो हां एक्सीडेंट आ कई दारी थी क्या खा अपन ननकू दादू का आबे रुक जा मैं ये गाड़ी वाले के खिलाफ कंप्लेन करत हूं मैं बे बुलावत हूं पुलिस का रुका तुम देखो हां ननकू दादू का हां हुईगा तुई काका ये गाड़ी वाला ना मोर एक्सीडेंट कर दी इसी गुवार मो बहुत जोर से लाग गया दैया थार नहीं हुई पाते कू घबरा ना अब मैं पुलिस वाले का बुलायो। हां प्रधान जी बुलावा बुलावा पुलिस वाले का यही का जेल में करवावा। हां जी यही का पुलिस से पकड़ा दिया। अरे ऐसे कैसे वही पुलिस से पकड़ा देंगे कोनो गवाही है कोनो सबूत है इस लड़के का एक्सीडेंट मैंने किया है मैं हूं मैं गवाही दई हूं मैं सबूत हूं। अरे या बता था गाड़ी जमीन में चला हुआ था कि हवा में उड़ा हुआ था तो तुम्हें का दिखाई सुनाई नहीं देता का नीचे कोनो लड़का चलत भी हुई है बैठ गया मानो सीट मानी और एक्सीलेटर में पांव धरे तो सारे आंधी के जैसे गाड़ी चलावा था हवाई जहाज जैसे भगावा था हवाई जहाज जैसे। ए ऐसा है सुनो मेरी बात मैंने ना किसी का एक्सीडेंट किया है ना ही मैंने कुछ किया है भला। अच्छा एक्सीडेंट नहीं की ना तो ये बेचारा यही तना पड़ा है कोनो अपने यहाँ पे लगवा लेगा। सर थोड़ा गाँव तरफ आइए हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हो गया है एक गाड़ी वाला बदतमीज है उसने जो है तो एक्सीडेंट कर दिया छोटे से लड़के का आइए जरा।
आ रहे हैं प्रधान जी, गाड़ी वाले को रोक के रखिएगा भला, उसका चलान करेंगे, गाड़ी सीज करेंगे और उसको भी जेल के अंदर डालेंगे। आ रहे हैं, रुकिए। जल्दी आइए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख मैं तेरी कैसे ढोल बजाता। तो आने दे, कौन आ रहा है? दरोगा, कांस्टेबल, पुलिस वाले, जो कोई आ रहे हैं आने दे, भी जरा समझेंगे कि मैं कौन हूँ आखिर। इससे तो मुझे सारे का कुछ नहीं होगा, परेशान ना हुआ, तुम चाहे जो कर लिया। अरे रुक जाओ श्याम सुंदर, रुक जाओ, तुम्हारा साला जो है तो जेल के अंदर ना जाए तो मेरा नाम भी इस गांव का। श्याम सुंदर अपा, गांव के लड़का का एक्सीडेंट हुआ है और तुम कहा था कि वो आखा कुछ ना कर पाया, ऐसे कैसे ना कर पाया कहे? ये का एक्सीडेंट करेगा लाइसेंस मिला है का? कि सबन खातिर जो हो तो एक्सीडेंट करत फिरत रही। अरे जोगी लाल, जो हो तो ज्यादा ना बोल, अबे देखा जा पुलिस का आवन दे, मिलिट्री का भी आ जान दे, आ जही बुलाओ का वही का बुला लिया, वो आखा कुछ ना हुई पाई। काका तुम हमारी तरफ आओ कि तुम अपन शहर की तरफ आओ? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुईगा और तुम जो है तो मनते नहीं आऊ। बहु गलत बात यह है, आप गांव के लड़का की तरफ नहीं बोलते हो, पर सारे की तरफ बोला था। अरे रुक जा लाला रुक जा, याहू का भी बनी वहू एक सारे का भी बन जाए। ठीक है देखता हूँ। नहीं जा लाला, तहु का मैं दिखावा तो रुक जा, आ जा दे पुलिस खातिर, तब पता चली कि मैं का चीज हूँ। हाँ हाँ आने दो आने दो। अरे बहुत जोर पी रहा था प्रधान जी, मुझे अस्पताल लवा चला दैया। दादू पाव रो तो थोड़ी देर तक और पुलिस का भर आ जा दे, फिर बतावा तू। मैं ननकू दादू बहुत ज्यादा लाग गया का तो है? काका बहुत ज्यादा लाग गया मोए, तुम खुद ही आके देख लेना। अरे बहुत ज्यादा तो लाग गया दादू, बहुत जोर तोर एक्सीडेंट भाया का? आ काका बहुत जोर से एक्सीडेंट भाया तब इतना घाव होगा मोए, नहीं तो अगर धीमे से होते इतना कहाँ लागत है मोए, बताओ तुम। दादू बात तो सही कहा था। आप प्रधान जी बताइए। काका साहब देखा कितना भयानक एक्सीडेंट की किया गाड़ी वाला। आया एक्सीडेंट तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है। ये गाड़ी कौन चला रहा था? साहब मैं तो यहाँ गांव का हूँ, मोर गाड़ी थोड़ो ना आया। किसकी है? गाड़ी के अंदर बैठे साहब। ठाड़ हुई जाओ जाए, नहीं तो साहब मुही का ना कहूँ अंदर कर दे जगह एक्सीडेंट के चक्कर में। ए तुम चला रहे थे क्या गाड़ी ये? आई ऑन लैंग्वेज, कायदे से बात करिए मुझसे। अरे तब तो अपना होश, बाहर आता है गाड़ी के पहले भी आता हूँ। बताओ ले आ गए उतर के गाड़ी के बाहर, बताओ बताओ तुम देख कहाँ रहे थे? इतने सीधे साधे लड़के का तुमने एक्सीडेंट कर दिया, तुम्हारी आंखें कहाँ थी गाड़ी चलाने के वक्त में? अगर मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट इस लड़के का हुआ है तो मुझे आप बेशक जेल में डालिए, और अगर नहीं हुआ है तो मैं समझ लीजिए आप सबको जेल में करवा दूंगा। अच्छा पुलिस वाले को ही धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे जेल में करवा दोगे? तो तुम हो कौन मिसनार? अरे 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 सर है तो ना कि मोए सारे का कुछ नहीं हो का मिसनार। जय हिंद जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इस गांव में अपने जीजा के पास बीबी और अपने बच्चे लेकर के आया था कि कुछ दिन छुट्टी काटूंगा और यहां पर रक्षाबंधन बनवा के चला जाऊंगा, लेकिन जो है तो इस प्रधान ने मेरे नाक में लुच कर दिया। इंस्पेक्टर तुम अब एक काम करो, मेरा इस प्रधान को चौकी लेकर के चलो, मैं आ रहा हूँ जरा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। ठीक है? ठीक है सर ठीक है। हाँ मेरे आते आते इसकी कम से कम काफी खातिरदारी हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा तुमको? ठीक है सर ठीक है, जाइए आप जाइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ। जीजा जी चलिए। सारे जी गाड़ी में तो बैठा? जीजा जी हाँ, समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। तो भैया अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक कमेंट शेयर, चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं भैया, जय हिंद जय भारत जय श्री राम।